श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको तीन राशि वाली महिलाएं बताएंगे जो दिल चुराने में माहिर होती हैं। किसी महिला की खूबसूरती उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसके दम पर वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। वो चाहे तो किसी पुरुष को अपना गुलाम बना सकती है। लेकिन इन राशि की महिलाएं देखने में खूबसूरत होने के साथ दिल चुराने में भी माहिर होती हैं। जो राशि हम आपको बताने वाले हैं, आज से ही नहीं, पुराने समय से ही ये जो महिलाएं होती हैं, खूबसूरती हमेशा से मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। राशियां तो 12 होती हैं, लेकिन इन तीन खास राशियों की महिलाएं किसी को भी आसानी से अपना दीवाना बना सकती हैं। इन राशियों की महिलाएं सुंदर भी होती हैं, इनकी खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं होती। तो चलिए हम उन राशि के बारे में आपको बताते हैं। पहले तो है मिथुन राशि। हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने मेनका रंभा जैसी अप्सराओं का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपनी अदाओं से बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग किया था। तो इस राशि के महिलाओं की तुलना अप्सराओं से की गई। मिथुन राशि की महिलाएं बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है। इस राशि के महिलाओं की खुश मिजाजी और आकर्षण को देखकर पुरुष इनकी तरफ खींचा चलाता है। इन पर बढ़ती उम्र का कोई खास असर नहीं पड़ता है, बढ़ती उम्र में भी ये जवान नजर आती है। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के महिलाओं की खूबसूरती और उनके आकर्षण को देवियों के समान जादू करने वाला माना गया है। इस राशि की महिलाएं दूसरों पर अपना जादुई प्रभाव छोड़कर उन्हें अपना दीवाना बना लेती हैं। इन महिलाओं के आकर्षण से पुरुष खुद को नहीं बचा पाते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ वही पुरुष भाते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक चले। इस राशि का महिलाओं के पास आभूषण, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर जैसी भौतिक सुविधाओं वाली चीजों की कभी कमी महसूस नहीं होती। फिर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के महिलाओं की तुलना वैम्पायर से की गई। वैम्पायर्स भले इंसानों का खून चूसे उसकी जान लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन इनकी खूबसूरती और आकर्षण एकदम जादुई होती है। तो ये इस तरह से पुरुषों का दिल चुरा लेती है कि इनके प्यार में पड़ने वाला हर इंसान इन्हें पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इन्हें वो मर्द पसंद आते हैं जो इन्हें जीत लें। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।